हेलो एवरीवन दिस इज आशीष आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं आई जी फिजिक्स लेट्स वेट वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आप सभी को मेरी आवाज आ पा रही है क्या चलिए भाई स्टार्ट करेंगे सेशन ऑडिबल एंड विजिबल ऑल राइट देखिए लास्ट सेशन में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के साथ थीटा एंगल के साथ फेंका जाता है तो आप लोग देखोगे कि उसका मोशन कुछ इस तरीके से होता है उसका ट्रैक मैंने बनाया प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है वो चीज भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाई थी जब हम लोग देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रेवल करता है एक्स एक्सिस पर आगे मूव करता चला जाता है और मान लीजिए हम लोग वाई एक्सिस पर उसका मोशन देखना चाहते हैं इस पर, पर यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में तो हम लोग इधर से लाइट डालते हैं और उस ऑब्जेक्ट की पहले हमें ऊपर फिर ऐसे फिर ऊपर ऊपर फिर देन डाउनवर्ड किसी एक पीक तक पहुंचेगी फिर डाउनवर्ड जर्नी आएगी ठीक है शायद आप लोगों को यह चीज याद होगी ठीक है भाई मैं शायद कई बार प्रोजेक्टाइल का मीनिंग बताया मैंने और शायद आज तो नहीं बताऊंगा यार मैं है ना चलो तो देखो इस डायग्राम के बाद मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल किया जाता है तो एक्स एक्सिस पर मैं एक अलग तरीके से मोशन को देखता हूं, और वाई एक्सिस पर मैं अलग तरीके से मोशन को देखता हूं फिर दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं भले ही एक पार्टिकल मूव कर रहा है मैंने लेकिन इससे पहले वाला आपको फील दिला दिया है कि मैं ये फील करके चलता हूं कि ये दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर अब एक्स और वाई एक्सिस पर जो मोशन मूव मूवमेंट हो रहा है इसको कौन जोड़ता है टाइम जोड़ता है कौन जोड़ता है टाइम और इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं तो मैं करा चुका हूं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस पॉइंट को समझने में कोई भी दिक्कत होगी इसके बाद अगर मैं अगले डायग्राम पर पहुंचू और अगला पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा देन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी सरफेस पर मैंने ये किसी का ट्रैक बना दिया किसी भी एक ऑब्जेक्ट का ट्रैक बनाया अब इसको मानकर चलिए कैसे फेंका गया था थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा जितना डायग्राम जितना अच्छा होता है उतना बेटरली हम लोग समझ पाएंगे ठीक है ओके अब देखो मैंने क्या किया इस ऑब्जेक्ट को सर्फ के सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मैंने प्रोजेक्टाइल किया इसके बाद देखोगे अगर मैं इसका यू ऑफ एक्स देखना चाहूं तो यू ऑफ एक्स क्या होगा यू ऑफ एक्स क्या होगा यू कॉस थीटा वहीं हम लोग y एक्सिस पर इसका दूसरा कंपोनेंट जानना चाहें तो क्या होगा y साइन थीटा यानी कि जब ये x एक्सिस पर आगे बढ़ेगा तो किस वेलोसिटी से बढ़ेगा u cos थीटा से और जब ये ऊपर जा रहा होगा तो किससे फेंका गया इसको u साइन थीटा से यानी कि इसको मैं क्या बोलूंगा u ऑफ y शायद आप लोगों को ये पॉइंट याद होगा ये ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं अब आप लोग देखोगे कि मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था लास्ट डायग्राम में कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल वर्टिकली डाउनवर्ड आप लोग देखते हो लेकिन हॉरिजॉन्टल की बात करें एक्स एक्सिस पर एक्सलरेशन नहीं है क्या है एक्स एक्सिस पर एक्सलरेशन नहीं है याद है या भूल गए एक्स एक्सिस पर कोई भी एक्सलरेशन नहीं होगा अब क्यों नहीं होगा वो चीज आप लोग जानते हो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम लोगों को करा चुका हूं क्योंकि हमें एक्सेस किस तरीके से ले रखे हमने जो एक्सेस आपको याद आया हमने पहले एक्सलरेशन वाला जो एक्सेस लिया था वो एक्सेस किस तरीके से लिया था कि एक्सलरेशन के एक एक्सेस को हम लोगों ने क्या ले लिया था कि एक एक्सेस पर उसका एक्सलरेशन हो ही ना एक्सेलरेशन के हमें कंपोनेंट नहीं करने पड़े केवल हम लोग वेलोसिटी के कंपोनेंट करे थे तो यहां भी इस डायग्राम में भी आप लोगों ने यही चीज सीखा कि केवल केवल और के हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स पर तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है यदि एक्स एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो उस केस में आप लोगों के सामने ये पॉइंट क्लियर है कि इसकी यू ऑफ एक्स यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एट द एक्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन सेम सेम रहेगी हर पॉइंट पर सेम रहेगी अगर मैं इस पॉइंट पर देखना चाहूं तो इसकी यू ऑफ एक्स सेम होगी वहीं मैं जब यहां पर देखूंगा तो दिस इज द वी ऑफ वाई होगा क्या होगा वी ऑफ वाई होगा अब इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर ले लूं मानकर चलिए इस पॉइंट पर ले लू तो यू ऑफ एक्स का यू ऑफ एक्स ही रहेगा ये वाली कम हो जाएगी और इस पॉइंट पर आप लोग देखोगे तो केवल और केवल एक्सेलरेशन क्या होगा डाउनवर्ड होगा क्या होगा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और इस जगह पर इसकी वी ऑफ वाई जो होगी वो क्या होगा जीरो होगा मानकर चलिए वो टॉप पॉइंट है हम, या फिर ये कहूं मैक्सिमम हाइट है उस पॉइंट के बाद में वो नीचे आएगा तो इस पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो होगी बट इस पॉइंट पर भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसका एक्स कंपोनेंट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा क्यों क्योंकि u ऑफ x सेम है क्योंकि x एक्स एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है अब इसके बाद आपने देखा इस पॉइंट पर तो u ऑफ x सेम बट g थोड़ा बढ़ेगा सॉरी फिर नीचे की साइड आओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी फिर एक्स रिमेन सेम इस पॉइंट पर आओगे तो इस पॉइंट पर सी बात है इसकी और कर जाएगी लेकिन जब ये सरफेस से टकराएगा तब तक इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी कौन सी वाली एक्स वाली सेम जितने से फेंका उतने से ही यहां पर होगा ठीक है बोलो बात समझ में आई क्या क्लियर पॉइंट अब इसमें एक और पॉइंट मैंने समझाया था कि केवल और केवल बदलाव आपको किस में देख रहा है वाई में देखना है क्योंकि वी सॉरी वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है वर्टिकल वाले की वजह से अपवर्ड डाउनवर्ड की तरीके से हॉरिजॉन्टल वाले में कुछ होगा ही नहीं एक्स एक्सेस वाले में कुछ भी नहीं होना क्लियर है भाई चलिए यहां पर क्या होगा ये सेम u cos थीटा सेम u cos थीटा एवरीवेयर किसी भी पॉइंट पर आप लोग देखोगे u of x रिमेन सेम इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है कि इस जगह पर अगर आप लोगों से वेलोसिटी पूछी जाए क्या इस पॉइंट पर वेलोसिटी आप लोगों से पूछी जाए तो v वाला कंपोनेंट तो यानी कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट जीरो है लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला जीरो नहीं है दैट इज u cos थीटा बट एक और पॉइंट बहुत अच्छे से जानते हो कि इस पॉइंट पर कौन से वाले पॉइंट पर A पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम होगी क्यों मिनिमम होगी क्योंकि इस तरीके का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीख चुके हो कि y कंपोनेंट जीरो है और केवल x कंपोनेंट बचाया अब इसका y वाला जीरो इस पॉइंट पर तो याद है शायद आपको याद दिलाने के लिए मेरे पास क्वेश्चन है और फिर मैं आपको याद दिला सकता हूं <coughs> देखो याद आया क्या कुछ ये कांस्टेंट ये जीरो था ये जीरो था तो उसी पॉइंट पर हमारा मिनिमम था क्या बोलो याद आया कोई क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन करा रखा है उसी क्वेश्चन से रिलेट करते हुए मैंने चीजों को समझाया आप लोगों को <coughs> ठीक है चलिए आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हो किसी को कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो देन अभी आप लोग पूछ सकते हो इसके बाद अगले पॉइंट पर डिस्कस हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ और बेटरली हम लोग कुछ नए पॉइंट सीखने वाले हैं <clears throat> यह डायग्राम में बार बार बनाऊंगा क्योंकि यह डायग्राम हमें आज कंप्लीटली काफी सारे कॉन्सेप्ट को समझाएगा यह सरफेस है किस से यू वेलोसिटी से फेंका गया है और ये क्या है थीटा क्या है ये है थीटा इसके बाद देखोगे आपने क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व करने वो ध्यान रखिएगा ये क्या है एक्स एक्सिस ये क्या है वाई एक्सिस दिस इज द वाई एक्सिस अब ये क्या होगा U आप जानते हैं ये क्या होगा U cos theta आप लोग जानते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अब आप लोगों से इस पॉइंट का डिस्कशन चलेगा अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचा लेकिन इस पॉइंट पर हम लोग कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं जैसे कि मैं आप लोगों से इस p पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जानना चाहूं तो p पॉइंट के हमारे पास वर्टेक्स सॉरी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे दिस क्योंकि दिस इज द x और ये क्या है दिस इज द y y एक्सिस पर मूव कर रहा है और ये x एक्सिस पर मूव जितना किया यहां से स्टार्ट किया p पॉइंट तक पहुंचा तो x पर x चला और ऊपर वर्टिकली देखा तो कितना चला y चला इतना पॉइंट समझ में आ अब मानकर चलिए कि इस जगह पर इसकी वेलोसिटी आई डोंट नो कितनी है बट है कुछ इस जगह पर इसकी वेलोसिटी वी है क्या है वी और ये ऐसे देखा जाए हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के पैरेलली हम इसको देखें और ये एंगल क्या बना रही है मानकर चलिए अल्फा बना रही है क्या बना रही है अल्फा अब आपसे इस पी पॉइंट पर वेलोसिटी भी पूछ सकता है P पॉइंट पर एंगल भी पूछ सकता है P पॉइंट पर आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है कैसे कैलकुलेट करोगे ये सारी चीजों को जानना है तो आपने कुछ नहीं करना जो कुछ किया है बस उसको तोड़ देना है अब तोड़ना कैसे है वो देख लीजिए बस मानकर चलिए एक्स एक्सिस को पहले एक्स एक्सिस और दूसरा हमने देखा वाई एक्सिस जितने पॉइंट्स आप लोग जानते हो क्या इन्हीं को हम लोग तोड़ दें सर ए ऑफ एक्स इस पर जीरो इस पर ऑफ़ वाई दैट इज क्या है माइनस का जी है क्या है माइनस का जी है यू ऑफ एक्स की बात करें तो यू cos थीटा है और यहां पर <coughs> u ऑफ y की बात करें तो यू ऑफ वाई की बात करें तो यू साइन थीटा है बोलो इतना पॉइंट सभी को क्लियर है अब देखो यदि x एक्सिस का हम लोग इस पॉइंट पर जानना चाहें तो आप लोगों से v ऑफ x पूछी जाए तो आप लोग बोलोगे सर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दीजिए क्या काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दीजिए तो लगा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है एक्सीलरेशन नहीं है तो v ऑफ x तो क्या होगा u ऑफ x a ऑफ x मल्टीप्लाईड बाय t अब ये पूरा पोर्शन जीरो क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो बी ऑफ एक्स इस पॉइंट पर क्या होगी यू थीटा क्या होगी यू एक्स हॉरिजॉन्टल कितनी होगी समझ में आ गया होगा लेकिन वाई पर आप लोग निकालना चाहें तो वाई पर कैसे लिखोगे सारे पॉइंट हम लोग वी वाई वाले लिख देंगे सर वी वाई वाले यानी कि यू वाई प्लस ए वाई मल्टीप्लाइड बाई टी कितना दिस अब आपने क्या करना है b ऑफ y u ऑफ y कितना था u sin थीटा था a ऑफ y कितना है माइनस का g और दिस इज द क्या दिस इज द तो आप लोग ने देखा कि b ऑफ y क्या आ गया इक्वल्स टू इस पॉइंट पर आप लोग निकालना चाहते हो b ऑफ y कितनी है तो u sin थीटा माइनस का gt बोलो पॉइंट समझ में आया क्या अब देखो सिंपल इस पॉइंट्स पर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट कह देता तब आप क्या करोगे इन पॉइंट्स पर आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट की बात करें तब क्या करेंगे उस पॉइंट को भी जानते हैं लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी बताइए तो वेलोसिटी कैसे बताओगे सर वेलोसिटी बताने के लिए हमारे पास क्या होता है वी ऑफ एक्स आई कै वी ऑफ वाई जे कै कुछ ऐसे लिखोगे तो अब ये कितना है u cos थीटा i कैप u cos थीटा i कैप एंड v ऑफ y पूरा कंप्लीट लिखोगे u sin थीटा माइनस का जी टी जे कै तो वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप पॉइंट समझ में आ गया भाई पॉइंट समझ में आ गया बोलो 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 जल्दी बोलो यार यदि समझ में आ गया तो बोलो नहीं आए तो फिर आगे की कहानी समझाएंगे तो वेलोसिटी वेक्टर आप लोगों ने जान लिया कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा वन मोर थिंग यदि आप लोगों से इसी पॉइंट पर वो ये कहता है कि वेलोसिटी वेक्टर तो चल ठीक है अब हमें यह वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है यह बताओ या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ कैसे एंग, कितना एंगल बना रहा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है व्हाट क्या पता है कि टेन टीटा आप यहां पर क्या लगाओगे टेन टीटा लेकिन एंगल क्या है अल्फा क्या है एंगल इज अल्फा ठीक है तो अब क्या करते हो सिंपल v ऑफ y अपॉन v ऑफ x परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस v बाई वी एक्स इसकी वैल्यूज आप लोग अपने आप रख लीजिए क्या है कैसे है बस दैट इससे ज्यादा कुछ पॉइंट्स आप लोगों के दिमाग में नहीं चाहिए वन मोर इसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें किसकी बात करें इसके बाद वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ तो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से आप लोग देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट भाई लोग क्या होगा दट इज आर होगा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आर होगा तो डिस्प्लेसमेंट पहले आप लोग एक्स एक्सेस पर निकालोगे किस पर और दूसरा निकालोगे आप लोग Y एक्सिस पर कितने पर एक X एक्सिस पर दूसरा Y एक्सिस पर तो X एक्सिस पर कैसे निकाल सकते हैं वो आपको याद होगा S इक्वेशन क्या होता है सेकंड इक्वेशन होती है S इक्वेशन यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर तो X पर कितना डिस्प्लेस किया है वो X किया है सीधा मैंने X लिख दिया एंड यू ऑफ एक्स मल्टीप ए ऑफ एक्स टी का स्क्वायर एक्स एक्स को रहने दीजिए यू ऑफ एक्स कितना होता है यू theta मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस ये पूरा पोर्शन जीरो क्योंकि ए ऑफ एक्स जीरो है देन एक्स इक्वल टू क्या आ गया यू theta क्या आया यू theta नोट कर लो एंड वन मोर वाई एक्सिस की हम जब बात कर रहे हैं तो देखो वाई एक्सिस पर भी सेम यू सॉरी वाई इक्व टू क्या होगा यू ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर तो यहां पर क्या लिखोगे u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस का हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर बोलो बात समझ में आई क्या इसके बाद आपसे वो कह रहा है ये वाई का निकाल के आ गया वाई इसके बाद आपसे कहता है कि ओवरऑल डिस् डिसमेंट बताइए तो क्या करोगे बड़ा सिंपल है बताने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है यू कॉस्ट थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी आई कैप लगा दो प्लस यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस का हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर और यहां लगा दीजिए कैप लगा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लगा सकते हो ना कैसे लगाया किसके बेसिस पर लगाया याद है भूल रहे प्लस वाई जे कैप ऑन ऑफ दिस वी बोलो बात समझ में आई क्या कहां, कहां किस तरीके से आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हो वो सब कुछ आप लगा सकते हो ये कहानी रही कब की ये कहानी तब की है जब आप लोगों के पास किसी भी तरीके से किसी पॉइंट पर यू वेलोसिटी दे दिया जाए किसी एंगल के साथ तो आप लोग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकालोगे वाई एक्सिस का कंपोनेंट निकालोगे फिर किसी भी पॉइंट पर आप लोगों से वो वेलोसिटी पूछ ले वेलोसिटी का एंगल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछ ले चाहे वो आप लोगों से ये कहे कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताइए तो ओवरऑल कैलकुलेशन सब कुछ यही होगी अब आप लोग वेक्टर पढ़े हो तो ये चीज आप लोगों को टफ या फिर डिफिकल्ट नहीं लगनी चाहिए मैं ये कह सकता हूं क्योंकि ये सारी चीजें तो जानते हो ना क्योंकि यू कॉस्टेटा है भाई थोड़ा सा टिक्नोमेट्री का यूज है कुछ भी अलग थोड़ी ना किया है हमने ओवरऑल कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा हो सर ये नहीं समझ में आया सर ये तो डिफिकल्ट है ये नहीं आ पाएगा क्यों क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ये सारी चीजें पढ़े हो बस हम केवल उनको पुट कर रहे हैं अगर मैं यहां पर यू की जगह पर यू एक्स मल्टीप्लाइड लिख देता हूं और यहां पर यू भाई भाई टी, का जी टी ये ये इसका जे के लगा दूं तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है आप लोगों के सामने यहां पर भी तो वही है सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास सेट हैं बस आपको यूटिलाइजेशन समझना है कब कहां क्या यूज करना है किसी भी पॉइंट पर कुछ भी आप लोगों से पूछे आप लोग जवाब दे सकते हो और ये जवाब कब दे पाओगे जब आपके पास एंगल है जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और तीसरा आपके पास टी है फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल पता है आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दूसरा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है तीसरा पॉइंट आपको टाइम पता है कि किस टाइम पर वो वेलोसिटी पूछ रहा है तो आप लोग एनी हाउ जवाब दे सकते हो कभी भी क्योंकि जी की वैल्यू आप लोग अप्रोक्सीमेट करके चलते हो टेन नाइन पॉइंट एट जब ऑप्शन हमारे टेन से मैच नहीं होते तब हम लोग नाइन पॉइंट एट यूज करके देखते हैं। हालांकि अगर आपने टेन से कर दिया तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि थोड़ी वैल्यू कम कहीं ना कहीं उसके अराउंड ही आएगी जितना टेन की वैल्यू आ रही ऊपर नीचे हो सकता है कुछ ठीक है हाँ तो मैग्नीट्यूड पूछ ले तो बता सकते हो ना भाई अगर ये मैग्नीट्यूड पूछ ले तो बता नहीं सकते हो यू कोसीटा इसका इसका स्क्वायर पूरे होल स्क्वायर रूट निकाल दोगे मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता जब हमारे पास कंपोनेंट्स के फॉर्म में कोई भी वैल्यू हो तो इज टू इजी एंड ये अल्फा कब है इसके लिए मैंने आपको डायग्राम आप चाहते हो तो बना लो किसी भी पॉइंट पर आप लोगों से मानकर <coughs> इस पॉइंट पर b ऑफ x निकला था इस पॉइंट पर b ऑफ y निकला था ये क्या था वेलोसिटी वेक्टर था और ये क्या था अल्फा बना रहा था एट पॉइंट P किस पॉइंट पर P पॉइंट बोलो बात समझ में आई क्या? क्लियर है आगे मूव करें अब देखो ये तो डिटेल्स रही बट बस फॉर्मूला लिख दो क्या फॉर्मूला लिख दें आगे और भी चीज है सारे वेरिएशन मैंने आपको समझाए हैं अब आगे की कुछ डिटेल्स और समझिए देखिए अब आपके पास एक नया टॉपिक तो नहीं है सेम टॉपिक वही है उसको और थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं कुछ चीजें जो आपको पता है लेकिन किस पॉइंट्स को कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे वो सारी चीजें और लेके चल रहे अब देखो एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन अब इसको समझना है कि मानकर चलिए This. इसका मीनिंग क्या है थोड़ा समझना भाई बाकी सब कुछ सेम है ये क्या है जहां से उसको प्रोजेक्टाइल किया गया है किस पॉइंट से इस पॉइंट से उसको प्रोजेक्टाइल किया है उसको वेलोसिटी दी गई है यू और एक इस सरफेस के साथ में एंगल जो बना रहा है थीटा है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन क्या होता है या इसके लिए जब कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी तो उनके फॉर्मूले जो हम लोग पढ़ेंगे वो केवल ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए वैलिड होते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड का मीनिंग ये नहीं होता कि आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो अर्थ के सरफेस से वो अर्थ के सरफेस पर वापस आए तभी आप लोग उसको ग्राउंड टू ग्राउंड कहोगे ग्राउंड टू ग्राउंड का मीनिंग होता है कि आप लोग अपने मानकर चले किसी बिल्डिंग की छत पर भी खड़े हो और आपने कोई चीज प्रोजेक्शन किया और वो वापस आके वो सेम प्रोजेक्शन होके आपने किसी एक छत के कॉर्नर से आपने प्रोजेक्शन किया और वो छत के दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाए तो लेवल सेम होना चाहिए हॉरिजॉन्टल का जो लेवल है ना वो सेम होना चाहिए यानी कि वाई एक्सिस पर जो मूवमेंट है एक्सिस पर जो मूवमेंट है वो जीरो होना चाहिए कैसे वो समझाता हूं भी आगे समझ में आएगा दूसरा पॉइंट मानकर चलिए एक बिल्डिंग यहां पर है और दूसरी इक्विवेलेंट उसी सरफेस पर हमने दूसरी बिल्डिंग है हमने क्या किया एक बिल्डिंग यहां पर दूसरी बिल्डिंग वहां पर है हमने कोई भी चीज को प्रोजेक्ट किया ऊपर करके ऐसे करके फेंक दिया दूसरी बिल्डिंग पर लेकिन दोनों का वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है वो इक्वल है उसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा समझिए कि ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि केवल ये पॉइंट टू ग्राउंड ये हमने अर्थ का सरफेस ले लिया यहां से यहां तक ग्राउंड टू ग्राउंड आप लोग इस पॉइंट पर भी आप बोल सकते हो किस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर दूसरा मैंने बोल दिया इस पॉइंट पर क्यों बोल सकते हो बिकॉज ऑफ वाई एक्सिस पर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या है वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है this is the y axis this is the x axis this is the y axis this is the x axis this is the angle theta ab isko bolte hain hum log u cos theta isko aap log kya bologe u sin theta is component ko इसको आप लोग क्या बोलते हो u of y बोलते हो और इसको आप लोग क्या बोलते हो u of x बोलते हो बोलो बात समझ में आई क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये चीज तो आप लोग जाने कितनी बार सुन चुके हो मेरे से अब एक और पॉइंट याद रखिए ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब होता है कि जब भी हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट जाकर फिर दोबारा उसी सरफेस पर वापस आ जाए तो यहां से यानी एक्स पर इसने कितना मूवमेंट किया उसको हम लोग बोलते हैं रेंज क्या बोलते हैं उसको रेंज अब मानकर चलिए कि इस पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट थे जीरो जीरो तो अब

ठीक है चलिए अब इसका मीनिंग क्या है अब यहां से अपवर्ड से इसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम किस हाइट तक वो ऊपर गया था एच मैक्सिमम तीसरा पॉइंट आप लोग जानते हो ऑलरेडी जिसमें मैं कहता हूं व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कितनी देर वो हवा में रहा बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आर फॉर रेंज आर फॉर रेंज अब आपको फॉर्मूलेज जो हैं वो, uh, है वो डेरिवेट करने हैं या कौन सा फॉर्मूला कैसे बनता है उस पॉइंट तक रीच करना है धीरे धीरे से देखते जाओ सारी चीजें आ जाएंगी अब आप लोगों ने मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या है जीरो है क्या है जीरो तो आप क्या कह सकते हो सर y इक्वल टू यू ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई t मल्टीप्लाइड बाई t प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर यही होगा क्या सर यही होने वाला है ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया जीरो यू ऑफ वाई कितना है बेटा यू साइन थीटा कितना है यू साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ टी के साथ अब देखो हाफ ए ऑफ वाई क्या है माइनस का जी इट इज टी का स्क्वायर इट इज T का स्क्वायर अब देखो आप क्या करोगे इस माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर इसको लेफ्ट में ले आओ और लेफ्ट में लाने के बाद एक स्टेप को कट कर रहा हूं मैं बस क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है दैट्स व्हाई एंड जब इसको ओवरऑल लेफ्ट में लेके आओगे फिर टी को आप लोग इधर वापस भेज दो क्या इधर वापस भेज सकते हो क्या सर भेज सकते हैं कैसे भेज सकते हो देखो सोचो दिमाग लगाओ जैसे ही आप इसको इधर लेके आओगे तो ये टी स्क्वायर है इधर टी है टी से टी कैंसिल होगा यस सर कैसे चलो स्टेप कर ही देता हूं मैं हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन टी टी से टी कैंसिल साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी टी से एक बार टी कैंसिल और ये वाला जो है वो इधर आ गया क्या आ गया इधर वाला तो बेटा देखो बेटा एक बात बताओ इसको आप लोग क्या बोल पाओगे ये टू इधर जाएगा तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी जी नीचे आ गया तो ये क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वस टू टू यू साइन थीटा तो बेटा टी इक्वस टू क्या आया टू यू साइन थीटा बाई जी अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो वॉट यू साइन theta इक्वल टू क्या है u ऑफ y है यस और नो t इक्वस टू टू यू ऑफ y डिवाइड बाई g. एक बात बताओ भाई आप लोग मोशन अंडर ग्रेविटी जब टॉपिक पढ़ा था तो कुछ अलग था क्या वहां हमने वाई और कुछ लिखा ही नहीं था हमने केवल लिखा था कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है यू से फेंका यू से फेंका है ऊपर ऊपर रोकेगा फिर नीचे आएगा तो ऊपर गया फिर नीचे आया टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू टू यू बाई जी डेरिवेट किया था क्या कुछ अलग है क्या अब यहां पर जब दो एक्सिस पर मूव कर रहा है तो अब मैंने उसको नाम दे दिया यू की जगह यू वाई लिख दिया बोलो कुछ अलग किया क्या कुछ अलग पढ़े हो क्या आप लोग मुझे नहीं लगता कि प्रोजेक्शन में आपने कोई भी नई चीज बात नई बात पढ़ी है भाई करने के हजार तरीके हैं आप करते रहिए कोई दिक्कत थोड़ी ना जो आपका मन करे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दे है। आई डोंट नो बट मैं इतना जानता हूं कि ये मेरा तरीका है आप लोग इस तरीके से पढ़िए ठीक है इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो पूछ लो बाकी एक मिनट आप लोगों के पास है फटाफट से नोट करो फिर आगे हम लोग मूव करेंगे भाई जितने स्टूडेंट्स अभी क्लास में हैं पहले सेशन को लाइक कर दो यार अब एक बात बताएं। अब मैं डायग्राम अगेन नहीं बनाऊंगा मेरे पास स्पेस नहीं है तो डेफिनेट सी बात है मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करूंगा बट इस पॉइंट पर आप लोग एक पॉइंट जानते हो गया कि वी ऑफ वाई विल बी जीरो और इस पॉइंट को मानकर चलिए मैंने ए नाम दिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है व्हाट 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 इसको नाम दिया मैंने स्पेस का है चलो इसको नाम दे दिया था ओ इसको नाम दिया मैंने ओ ठीक है अब sure. देखो अब मैं क्या करता हूं इस पार्टिकल की जर्नी लेता हूं ओ टू ए टू ए से ए तक ओ से ए तक लेकिन ओनली ऑन वाई एक्सिस वाली एक्स वाली नहीं क्योंकि एक्स वाली ले लो कुछ फर्क तोड़ना पड़ना है वो तो कॉन्स्टेंट ही है उसमें कोई एक्सेलरेशन का तो फैक्टर थोड़ी ना लग रहा है आप केवल किसको लेके चलोगे ऑन ले वाई वाली को ठीक है आपने क्या करना जर्नी ओ टू ए तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वी बाई किसी पॉइंट पर जाकर जीरो हुई है तो इसका यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं तो मुझे काम में आ सकता है क्या एस यही होता है क्या एस ऑफ वाई यही इक्वेशन होती है ये वाला जीरो माइनस का यू ऑफ वाई कितना था यू ऑफ वाई था यू साइन थीटा इसका होल स्क्वायर टू माइनस का जी और एस वाई कितना है एच जिसको मैं एच मैक्सिमम लिख रहा हूं दैट इज एच अब इसको क्या बोलोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू माइनस का टू जी एच एच इक्वस टू कितना हुआ देखो माइनस से माइनस कैंसे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट टू जी वन मोर थिंग एच इक्वस टू फॉर्मूला तो बन गया जो आपकी बुक्स में लिखा पड़ा है वो बन गया है फॉर्मूला बट क्या मैं इसको यू साइन थीटा जैसे पहले लिखा था क्या उसी तरह देखो ये एक ऑलरेडी फॉर्मूला बन चुका है दिस ये फॉर्मूला ऑलरेडी बन चुका है बट जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो भी तो देखना है अभी आपको इसको क्या है टू जी बेटा एच इक्व टू एच मैक्म आपको निकालनी यू साइन थीटा That is Uy upon two G. कुछ बात समझ में आई क्या जब प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है हम सीधे कैसे निकालते हैं हम सीधे एच इक्व टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी बट यहां एक्स वाई दोनों का चक्कर है इसलिए हमने उसको स्पेसिफिक नाम दे दिया यू वाई कुछ अलग है क्या कुछ अलग है क्या एच इक्व U square, square, theta by कुछ अलग है क्या आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग मोशन अंडर ग्रेविटी में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी तो क्या आपको ये फिट होती हुई दिखाई दे रही है इस जगह पर भी सेम है डिट्टो सेम है कुछ भी अलग नहीं है भाई ग्राउंड टू ग्राउंड क्या होता है नीचे से आप लोग बिल्डिंग पे फेंक दो बिल्डिंग से नीचे फेंक दो अगला पॉइंट व्हाट अगला पॉइंट आप लोग क्या निकालोगे अब निकालना है आपको रेंज जिसको आप लोग बोलते हैं आर अब रेंज किसके अलोंग है तो आप लोग जानते हो रेंज जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस किसके एक्स एक्सिस के अलोंग है अब इसको कैसे समझने देखो एक्स एक्सिस के अलोंग है एक्स यू ऑफ एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी का स्क्वायर यही होगा क्या हां सर यही होगा डिटो कुछ अलग नहीं होगा तो x पर कितना चल रहे हो x पर चल रहे हो आप लोग r U ऑफ x कितना है U ऑफ x है आपके पास U cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम प्लस हाफ a ऑफ x कितना है G और t कितना है T का स्क्वायर लगा दो बोलो बात समझ में आई क्या सॉरी गलती हुई भाई गलती G तो है ही नहीं ये वाला पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा कहा है ए एक्स ले रहे हैं ना डिस्प्लेसमेंट जीरो सॉरी एक्सलेशन जीरो कुछ है। जीरो वाले को गायब करो कोई फर्क नहीं पड़ता u cos थीटा अब आपको किसको लेना हेल्प में टाइम को तो टाइम अभी अभी पड़ गया आयो क्या टू यू साइन थीटा बाई जी टू यू साइन टीटा बाई जी थीटा बाई जी कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं अब आपने क्या देखना है एक और नया पॉइंट यू से यू का स्क्वायर हो गया बट साइन थीटा वन मोर थीटा कुछ याद आ रहा है क्या टिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स में समझाई थी हाफ एंगल वाला तो हाफ एंगल दिखाई दे रहा है क्या साइन टीटा थीटा इक्वल्स टू वॉट साइन टू ठीटा वॉट साइन टू ठीटा यानी कि यू थीटा डिवाइड बाई इज r रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला बट एक और चीज मैं यहां पर आपको विजुलाइज कराऊंगा जो आप लोगों की बुक्स में आप लोग देखते हो वो सब कुछ यही होता है क्या ठीक है चलिए देखिए अब आपने क्या करना है आपने एक विजुलाइज़ करना है वोट ये वाला पॉइंट वो कौन सा पॉइंट यू थीटा यू साइन थीटा ये टू के साथ देखो इसका यहां से मैं एक सेकंड सेकंड दिस इज द फर्स्ट सेकंड मेथड आर इक्वल टू इसको अरेंज कर लो थोड़ा सा और टू u cos theta multiplied by u sin theta divide by g तो बेटा एक बात बताओ एक बात बता दो ये आपको कुछ दिख रहा है ये कुछ दिख रहा है हाँ सर दिख रहा है यानी कि टू यू ऑफ एक्स यू ऑफ वाई डिवाइड बाई जी दिख रहा है बच्चे लोग बोलो आर इक्व टू यू कॉस साइन थीटा टू टू यू एक्स यूवाई डिवाइड बाई जी बोलो 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 तो आज जैसे आप लोग केवल इन्हीं फॉर्मूले को नहीं देखोगे आपको ये सारी चीजें भी देखनी है देख सकते हो क्या आपके दिमाग में क्या है कि सर ये टाइम क्यों ये टाइम क्यों एक बात बताओ फ्लाइट टाइम थोड़ा समझना दिमाग लगाया करो और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उसमें कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपकी चाहिए होती है आपको कुछ पीछे सोचना पड़ता है सोचना थोड़ा दिमाग लगाना हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को रेंज बोला है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेंज बोला है हां सर यही बोला है बात बताओ कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो तो रेंज रेंज अगर निकालनी है तो यहां से यहां तक का टाइम भी हमें देखना पड़ेगा चाहे वो ऊपर जाके आया हो लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम तो वही लगेगा ना जो ऐसे गया है वो ओवरऑल टाइम नहीं आया समझ समझिए ऑब्जेक्ट पहले हवा में रहा हवा में रहा हवा में रहा और इस पॉइंट पर आके टकराता है तो इसको हमने टाइम को इस टाइम को बोल दिया फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट अब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आप तो यही कंप्लीट वाला टाइम ही लोगे ना नहीं 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 सर यहां से यहां वाला टाइम बताओ कुछ अलग है वो भाई अलग कैसे हो जाएगा मैंने स्टोन को फेंका यहां से गया यहां पे गिरा तो यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट ही तो ये लूंगा भाई डिस्प्लेसमेंट काइनामेटिक लगाई है तो इक्वेशन मोशन में मैं डिस्प्लेसमेंट ही तो ले रहा हूं टाइम तो मेरा जी जितना ऊपर से नीचे तक आने में यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लिया उसने उसी टाइम को तो कंसिडर करूंगा मैं थोड़ी ना कंसिडर करना नहीं, नहीं सर इसको सीधा जाने में जो टाइम लगा फिर भाई प्रोजेक्टाइल का हुआ फिर प्रोजेक्टाइल का हुआ बोलो फिर यू ऑफ एक्स फिर ये यू ऑफ एक्स क्यों फिर यू यू कॉस्टिटा क्यों ले रहे हो यू साइन टीटा क्यों ले रहे हो फिर तो यू वेलोसिटी हो जाएगी ना वो भाई ये कॉस्टिटा साइन टीटा को क्यों लगाया फिर तो हॉरिजॉन्टल फेंको ना उसको फिर इस प्रोजेक्टाइल को आप क्यों देख रहे हो बट एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी कैसे स्टॉप होगी भाई हमें उसके बाद थोड़ी ना देखना है आप लोग समझे ही नहीं रहे हो आप एक बात बताओ कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां फेंक दिया और ये ऑब्जेक्ट सोचो हाँ एक सेकंड रुक जाओ एक बात बताना इस पॉइंट के बाद ये इस पॉइंट तक पहुंच गया कहां तक पहुंचा इस पॉइंट तक तो इस पॉइंट के बाद में मुझे तो केवल इस पॉइंट तक पहुंचने की जर्नी को कंप्लीट करना है ना कि v क्या था r क्या था हाइट क्या थी टाइम कितना था मैक्सिमम है, हाइट कितना रहा इस जर्नी में कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पर मैं बोल दू इस पॉइंट पर बताओ किस पॉइंट पर इस वाले पॉइंट की मैं आपसे कह दूंगी इस पॉइंट पर बताओ तो आप इसी जर्नी को तो कंसीडर करोगे भाई इस यहां से यहां से और यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा उसी को तो कंसीडर करोगे यहां से यहां तक की ये वाली जर्नी को ही देखा जा रहा है इस इस पॉइंट के बाद की जर्नी थोड़ी ना देखी जा रही है हम तो प्रोजेक्शन का टाइम ले रहे ना सरफेस से ऊपर गया सरफेस तक आ गया खत्म इसके बाद तो एक्स अब देखो वाई पर ही तो उसका खत्म हुआ है टकराएगा तो ध्यान से सुनना आप ये समझो आपने क्या किया एक बॉल को फेंका और आपने बॉल को फेंका जैसे सपोज करिए क्रिकेट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए आप आ, बॉलर बॉल फेंकता है उसके बाद बैट्समैन उसको हिट करता है फिर देन उसको फील्डर कैच करेगा कैच करने के बाद जब वो बॉल को थ्रो करता है तब की कंडीशन समझिए वो क्या करता है पहले ऊपर बॉल को फेंकता है फेंकने के बाद क्या बॉल वापस नहीं ऊपर ऊपर उठती बॉल वापस उठती है ना ऊपर बॉल वापस ऊपर उठती है ना तो वापस ऊपर क्यों उठती है क्योंकि वो इस समय पर v वेलोसिटी से नीचे टकरा है टकराने के बाद ऊपर फिर से बाउंस होगा बाउंस करेगा ही करेगा यस और नो अब वो चलो बाउंस कर गया चलो वो इसमें ये वेलोसिटी थी तो वो नीचे गया अब आगे क्यों गया भाई आगे इसलिए गया बिकॉज ऑफ उसकी हॉरिजॉन्टल पे भी तो थी वो क्या करता है बॉलर फेंकता है से बॉलर फेंकता है इस पॉइंट से उसने ऐसे फेंका जब इस जगह पर टकराया तो अब बॉल क्या है सोचिए कि ऐसे ऐसे ऊपर थोड़ी ना उठ के चली गई नहीं सर यहां पर मान लीजिए उसने u से ऊपर गया था अब नीचे जाकर u माइनस का u साइन टीटा यहां पर आ गई अब ये क्या करेगा जब रिबाउंड करेगा तो ऐसे ऐसे ऊपर चला जाएगा भाई ऐसे भी तो देखते हो कि जब इस जगह पे आता है तो ऐसे भी तो जाता है ऊपर भी जाएगा फिर वो आगे भी तो बढ़ता है तो ये आगे क्यों बढ़ा यू कॉस्टिटा की वजह से बोलो एक और याद एक और पॉइंट याद होगा कि हमने क्या कहा था कि एयर की रेजिस्टेंस को आपको कंसीडर नहीं करना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आप लोग इन सारी चीजों को अलग तरीके से देखते हो हम थोड़ी ना देख रहे हैं हम उसके बाद की जर्नी को थोड़ी ना देख रहे हैं हमें कौन सी जर्नी देखनी है बस वो ऊपर गया उस ड्यूरिंग की बात उस ड्यूरेशन की बात हो रही है उसके आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं हो रही है। क्या है उसका पीछे ठीक है रेंज निकाल ली रेंज निकाल ली एच मैक्सिमम आपने निकाल लिया आर आपने निकाल लिया फिर उसके बाद ये फॉर्मूले आप लोगों को याद हो जाने चाहिए भाई आज के बाद अब एक क्वेश्चन देखिए सरफेस के साथ थर्टी एंगल बनाते हुए कितने से फिफ्टी मीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया गया इसके बाद इसमें आपको फाइंड करना है ए पार्ट टी एच मैक्सिमम आर जो है सी पॉइंट आर रेंज निकालो भाई। यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि सर इसमें प्रोजेक्टाइल नहीं बोला गया कुछ बोला नहीं गया तो आप समझ लीजिए कि जब किसी होरिजेंटल सरफेस के साथ 37 एंगल के साथ वो बोल देता है तो फिर उसके बाद सारी चीजें हमें एज्यूम करके चलनी है भले ही नहीं दे रखा हो कुछ भी नहीं दे रखा हो सरफेस के साथ एंगल दे दिया तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ जाइए निकालिए भाई देखो बहुत सिंपल है आप लोग देखोगे ये क्या है इसको आप बोलोगे u cos 37 है ना यानी 50 cos 37 50 37 3 बाय सॉरी 4 बाय 5, दट इज 40, 40, ठीक है इसको आप लोग देखोगे तो u साइन थीटा दैट इज 50 साइन 37, सेवन एंड दैट इज 50 थ्री बाई फाइव इट इज थर्टी सारे काम कर सकते हो ए ऑप्शन टाइम पूछा है तो टाइम बताइए भाई मैं कुछ नहीं मैं कुछ भी ये वैल्यू नहीं रख रहा हूँ मेरे को केवल ही चीज़ याद है बस u ऑफ y, और u ऑफ y डिवाइड बाई g, बस ये याद है इसके अलावा कुछ भी नहीं ठीक है टू मल्टीप्लाइड बाई थर्टी डिवाइड बाई टेन दट इज सिक्स सेकेंड बोलो कुछ यही पॉइंट बताया था ना मैंने अभी पीछे आप लोगों को बोलो यही पॉइंट डिस्कस किया था ना कि आपको अगर टाइम निकालना है कैसे निकालोगे है ना बाकी बाकी सारी चीजें भूल जाओ टाइम फ्लाइट निकालना है तो जो निकालना है वही बस लगा डालो अब बी एच मैक्सिमम निकालना है एच मैक्सिमम निकालने के लिए आपको याद है क्या पढ़ा है हमने ऑलरेडी सर कुछ भी नहीं पढ़ा वॉट ये पढ़ा था टू जी ठीक है तो थर्टी थर्टी टू मल्टीप्लाइड बाई टेन फिफ्टीन फोर्टी फाइव मीटर सी आर आर पूछा है 2 u of x u of y u of x u of y divide by g divide by g 2 multiplied by u of x is 40 that is 30 divide by 10 आप divide कर लो इस वन कट गया 80 multiplied by 3 Two, four, बोलो बात समझ में आई क्या मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस दिए जाएं और आप लोग नहीं कर पाओगे आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए यू कैन सॉल्व वेरी इजली भाई सवाल तो और भी करा देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट आपको कुछ चीज़ें और याद रखने वाली हैं शॉर्टकट्स आप लोग याद रखना चाहो तो और भी याद रख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर आप रखना चाहो जब आपके पास एच हो उस केस में आप लोग क्या करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट इक्व टू देखो टी इक्वस टू रूट में लगाइए टू एच बाई जी आप लोग वो फार्मूला भी याद रख सकते हो है ना आर इक्व टू एक और याद रख सकते हो यू मल्टीप्लाइड बाई टी याद रख सकते हो आप लोग है ना यू मल्टीप्लाइड बाई टी फिर यू का मल्टीप्लाई करिए और रूट में लगाइए टू एच बाई जी से भी आप कर सकते हो है ना कुछ फॉर्मूले और भी हैं जिनको आप लोग शॉर्टकट्स में याद रखना चाहो याद रख सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है चलिए देखो अब देखो क्वेश्चंस और अभी तो नहीं करा रहा हूँ मैं क्वेश्चंस क्योंकि इसके बाद मेरे को अभी और भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं लेकिन आज नया कॉन्सेप्ट और नहीं पढ़ाऊंगा कुछ प्रोजेक्शन हम लोग करेंगे लेकिन उसमें आफ्टर सम टाइम कुछ और पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं यानी नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स पढ़ाऊँगा फिर नए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक नए तरीके से आप लोग करोगे ठीक है तो आज जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया, उतना आप लोगों को समझ में आया कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए भाई आप लोग जितनी सारी चीजें पढ़ाई गई उतनी सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को देखो यदि आप लोगों के अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जैसे आते हैं वन सेकेंड देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के जनरली कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं सर हमें कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए हमारा रिवीजन टाइप क्या होना चाहिए हालांकि मैंने एक वीडियो शॉर्ट वीडियो दिया कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करना है क्योंकि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत होती है क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सीधा टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक पढ़ने के बाद में अनसॉल्ड क्वेश्चन को लगाना चालू कर देते हैं तो आप कुछ नहीं है आप या तो उसमें गलत अप्रोच लगा के उसका आंसर सेट करोगे कहीं ना कहीं क्योंकि आंसर की आप लोगों के पास होती है आप आंसर की से आंसर को सेट करते हो उल्टे सीधे अप्रोचेस लगाते हो तो आपने क्या करना होता है कि पहले सॉल्यूशंस के साथ जो भी क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उन क्वेश्चंस को भी केयरफुल आपको सॉल्व करना होता है यदि वो क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक इंटरप्रिटेशन बन जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके से भी अप्रोच लगाया जा सकता है इसको वैस ईजिली कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है आप फिर क्या करिए उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग अनसोल्व के तरीके से सॉल्व करिए जो आपने सोल्व क्वेश्चन सोल्व कर लिया है आप उसको अब अनसोल्व के तरीके से सोल्व करें यदि आपने फिर उसको अनसोल्व के तरीके से सोल्व करोगे तो आपको रियली इवेलुएशन होगा कि जो चीज आपने एग्जैक्टली exactly पढ़ रखी है अब आप उसको रीअेम्प्ट कर रहे हो लेकिन इस बार आप हेल्प सॉल्यूशन का नहीं ले रहे हो इस बार जो है आप लोग ले रहे हो हेल्प किसका अब इस अब जो हेल्प ले रहे हो आप वो किसका ले रहे हो जो आपने सीखा है उसका जो चीजें आपके माइंड में आई वो सारी चीजों को आपने यहाँ पर अप्लाई करना है यदि फिर आप लोगों से था, जब क्या होता है कि सेकंड टाइम में जहां जहां हमारी गलतियां निकल के आई तो अब आपको क्या करना है उस समय पर आपने ये करना है कि जो चीज़ गलतियां निकली है ना उनको हाईलाइटेड करो और हाईलाइट करने के बाद आप उन क्वेश्चन को थर्ड अटैप्ट के लिए बाद के लिए रख लीजिए कि आफ्टर सम टाइम जब मुझे मौका मिलेगा जब मुझे रिविजन करना होगा तो तब मैं अब क्या करूंगा उन्हीं क्वेश्चंस को उठाऊंगा और उन्हीं क्वेश्चंस को फिर री अटेम्प्ट करूंगा तो एक क्वेश्चन को आपने तीन बार अटेम्प्ट किया तो मैं ये मानता हूं कि एटलीस्ट आपको ये समझ में आता है कि किस क्वेश्चन में किस तरीके का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है किस क्वेश्चन को कैसे इजिली सॉल्व किया जा सकता है और एक क्वेश्चन को कैसे मल्टीपल अप्रोचेज हम लोग लगा सकते हैं बट सबसे पहली बार आप लोग ऐसा मत करें कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अनसोल्व क्वेश्चन को आप लोग लगाना चालू कर दीजिए सॉल्व को भी आप लोग अनसोल्व के तरीके से लगाते हो और गलत उसमें कॉन्सेप्ट लगाते हो तब आप लोगों के लिए ज्यादा गलत इंटरप्रिटेशन है क्योंकि एक बार आपने गलत तरीके से उसको सॉल्व किया तो जब आप जिस क्वेश्चन को पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो और वो गलत इंटरप्रिटेशन ही आप लोगों के माइंड में जाएगा तो सेकंड टाइम में 100 परसेंट कह सकता हूं सेकंड टाइम तो भले ही आप सही कर लो लेकिन जब थर्ड टाइम आफ्टर सम टाइम जब क्वेश्चन को करोगे ना तो जो फर्स्ट टाइम में आप गलती कर रहे हो फर्स्ट टाइम जब, जब आपने जैसे अप्रोच लगाया है आप उसी अप्रोच से फिर थर्ड टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फिर सॉल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं है कि आपने अनसोल्व तरीके से सॉल्व कर लिया फिर सॉल्यूशन देखा फिर उसको करेक्ट किया बस सौ परसेंट कह सकता हूं कि आप आफ्टर सम टाइम उस क्वेश्चन को रिपीट करोगे ना तो उस केस में केवल और केवल आपसे गलती होगी वही गलती होगी जो पहली बार में हुई आप गलत अप्रोच लगाओगे गलत तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे क्योंकि पहली बार किस क्वेश्चन के लिए आपने क्या अप्रोच लगाई है वो मायने रखती है वही इंटरप्रिटेशन हमारे कई बार माइंड में चले जाते हैं वही फिर निकल नहीं पाते ऐसा होता है कि मैक्सिमम केस में ऐसा हुआ कि आपसे सेम वही अप्रोच लगाओगे सेम वही गलती होगी

आके कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू इन योर एग्जाम एंड आज के लिए बस इतना ही थैंक यू गुड बाय टेक केयर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में बाय बाय